नमस्कार, आप सभी दर्शकों का सीए न्यूज चैनल में स्वागत है। सुबह से बार बार मुंबई की बारिश की अपडेट दे रहा हूं। आपने सुबह पवई देखा, पवई लेक की हालत देखा, मुंबई मरीन ड्राइव पर देखा, अब मुंबई चेंबूर की लाइव तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। ये पोस्टर कॉलोनी का इलाका है। यहाँ की बीजेपी नगर सेविका हैं आशाताई मराठे। बड़े बड़े दावे करती हैं लेकिन उनके दावे खोखले साबित हो रहे हैं। ये उनकी पोल खुल रही है। हालांकि बीजेपी बार बार शिवसेना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को घेरने में लगी है लेकिन नगर सेविका बीजेपी के हैं आशाताई मराठे। और यहाँ की हालत जो है वो आप लाइव देख रहे हैं सीए न्यूज चैनल के माध्यम से। जब भी यहाँ पे बारिश होता है इसी तरह यहाँ पर पानी भर जाता है। मैं तस्वीर भी दिखा दूँ कि एक व्यक्ति है जो अपनी गाड़ी लेके आ रहे थे और उनकी गाड़ी भी यहाँ पे ख़राब हो गई थी। अपनी गाड़ी को ठीक करने में लगे हैं क्योंकि जो पीछे का पोर्शन है वो पूरी तरह से निकल गया था बाहर। अभी वो उठा के किसी तरह उसमें लगा रहे हैं। लेकिन वापस मैं इस तरफ की तस्वीर दिखाऊं आपको तो चेंबूर पोस्टर कॉलोनी की ये तस्वीर है और आप देख सकते हैं कि क्या यहाँ पर हालत है पोस्टर कॉलोनी की। और यहाँ पर सोसाइटी, आप सोसाइटी की हालत देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ की हालत है। और बार बार गटर की सफाई की जाती है लेकिन किस तरह सफाई की जाती है ये उसका पोल खुल रहा है। यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, सोसाइटी है, लोग रहते हैं लेकिन ये जो तस्वीर है महानगर पालिका, यहाँ के जो प्रशासन है, जो यहाँ के नगर सेवक हैं, हालांकि शिवसेना के भी विधायक यहाँ पर हैं लेकिन उनका भी कुछ काम यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। और ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह यहाँ की ये हालत है। जब भी बारिश होती है तो इसी तरह पानी यहाँ पर भर जाता है। एक तस्वीर आओ दिखा दूँ कि कुछ लोग यहाँ पर अपने दुकान में सोए हुए, डेयरी का है, लेकिन उनके दुकान के बाहर किस तरह पानी भरा हुआ है। अगर किसी को चल के यहाँ की बिल्डिंग में जाना है, अपने सोसाइटी में जाना है, अपने घर में जाना है तो इस पानी के अंदर, घुटने भर पानी के अंदर उसे चलकर जाना होगा। लेकिन महानगर पालिका अगर बड़े बड़े दावे करती है, यहाँ के नगर सेविका अगर दावे करती हैं तो उनके दावे किस तरह खोखले साबित हो रहे हैं ये तस्वीर आप लाइव देख रहे हैं। लेकिन मुंबई का ये पोस्टर कॉलोनी है, बारिश 3-4 घंटे से बंद है लेकिन उसके बाद भी पानी यहाँ से निकला नहीं है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे महानगर पालिका का कार्यालय है चेंबूर एम वार्ड और यहाँ की नगर सेविका आशाताई मराठे यहाँ से कुछ महज 500 मीटर की दूरी पर रहती हैं। अभी उन्होंने घर चेंज कर दिया है लेकिन यहाँ की ये लाइव तस्वीर आप देख सकते हैं कि आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो यहाँ पर रहने वाले स्थानीय हैं उनको कितनी परेशानियों का सामना करना होता है। दूसरी तरफ शमशान भूमि है, यहाँ पर कोई गुजर जाता है तो उसकी बॉडी यहाँ पर लाया जाता है और यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन इस रोड से लोगों का काफ़ी आवाजमन होता है और घुटनों तक यहाँ पर पानी है। लेकिन यहाँ की जो ये हालत है ये काफ़ी खस्ता हालत है और ये आप तस्वीर से देख सकते हैं। थोड़ा सा कैमरा मैन को कहूँगा कि थोड़ा आगे आके आपको तस्वीर दिखा सके तो ये रोड कम से कम 500 मीटर दूर तक का ये रोड है और ये पूरे रोड की यही हालत है। आगे माँ अस्पताल है, महानगर पालिका का अस्पताल है, वहाँ पे भी कुछ पेशेंट को जाना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे कोरोना के भी पेशेंट है, अन्य जो मरीज है उनका यहाँ पर उपचार होता है। लेकिन ये चेंबूर की जो पोस्टर कॉलोनी, यहाँ का ये लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं, महानगर पालिका हो या यहाँ की नगर सेवक हो या यहाँ के विधायक हो, उनके किस तरह का ये पोल खुल रहा है ये लाइव तस्वीर है। जब भी यहाँ पे बारिश होती है तो हर साल इसी तरह का दृश्य यहाँ पर देखने मिलता है। लेकिन हर साल लोगों से दावे किए जाते हैं कि यहाँ पे साफ सफाई होगी, यहाँ पर काम होगा, लेकिन किस तरह यहाँ पर काम होता है, किस तरह यहाँ पे साफ सफाई होती है ये उसकी तस्वीर आप यहाँ पर दे सकते हैं। और ये चेंबूर के कुछ बिल्डिंग की भी तस्वीर दिखा दें कि यहाँ पर लोग ऊपर से छत से देख रहे हैं और लोग यहाँ से हमें इशारा भी कर रहे हैं कि तस्वीर दिखाया जाए। लेकिन यहाँ के लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो और किसी को इस रोड के सहारे कहीं जाना हो तो इस पानी से गुजर के जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर रोड में पानी भरा हुआ है, घुटनों तक पानी भरा हुआ है। और कुछ लोग यहाँ से अपनी गाड़ियाँ लेके जाते हैं, उनकी गाड़ियाँ पानी में डूब जा रही है, उनकी गाड़ी खराब हो जा रही है। तो ये चेंबूर पोस्टर कॉलोनी की तस्वीर हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। महानगर पालिका हो या यहाँ की नगर सेविका हो, उनका पोल खुल रहा है। दूसरी बात बता दूं कि कोरोना महामारी ने जिस तरह आतंक फैला रखा है पूरे देश में, कोरोना महामारी की वजह से महानगर पालिका के कार्यालय भी कुछ दिन बंद थे या जो महानगर पालिका के जो कर्मचारी थे वो देखिए, एक भाई साहब यहाँ पे भी हैं जो अपने जूते हाथ में लेके चल रहे हैं।
तो ये यहाँ की लाइव तस्वीर है, किस दशा, किस तरह यहाँ की ये दशा है आप ये देख सकते हैं, और लोगों को इस पानी में से किस तरह गुजरना पड़ रहा है वो देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों के घर है, यहाँ पे बिल्डिंग है, सोसाइटी है, बंगले है, लेकिन लोगों को इस पानी से ही सामना करना पड़ता है। घुटनों तक पानी भरने के बावजूद भी यहाँ पर प्रशासन किस तरह चुप है वो इसकी लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं। कहीं ना कहीं CNU चैनल के माध्यम से हम इस तरह के अपडेट आपको बार बार देते रहेंगे, और आगे चलते हैं, कुछ लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर हालत क्या है। लेकिन मुंबई चेंबूर पोस्टर कॉलोनी की ये तस्वीर है, अगर यहाँ पे नाले हैं, गटर है, तो ये पानी उसमें से निकलता क्यों नहीं है? अगर गटर की सफाई की जाती या गटर की मरम्मत सही से की गई होती तो शायद यहाँ पर ये पानी इस तरह जमा नहीं होता। दूसरी तरफ एक बड़ा गटर नाला का काम किया गया है, लेकिन उस नाले को वहीं आगे जाकर सीमित कर दिया गया, क्योंकि उसे आगे की तरफ कनेक्शन नहीं दिया गया, तो पानी वहां से पास नहीं हो सकता। ये चेंबूर पोस्टर कॉलोनी की तस्वीर है, हमको आपको बार बार यहां की तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। यहां के रहवासी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, आप यहां पर रहते हैं, जो यहां की तस्वीर देखी जा रही है, सुबह तो काफ़ी ज़्यादा पानी भरा हुआ था, एक गाड़ी देख लिया जा रही है यहां पे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा यहाँ से गुजरते हुए, जाते हुए, और क्योंकि स्पीड ब्रेकर है। आप बताइए, आपका नाम क्या है और आप यहाँ पे रहते हैं? मेरा नाम मयूर गड्ढा है, मैं यहीं सामने की बिल्डिंग में रहता हूँ। ये पानी का जो तस्वीर आप सुबह देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा पानी था, अब थोड़ा कम हुआ है, लेकिन फिर भी घुटनों तक पानी, क्या कहेंगे? हाँ, क्या कहना है, घुटनों तक पानी भरा हुआ है। महानगर पालिका से क्या अपील करेंगे? यहाँ हर साल का है, हर साल का है, वही कोई नहीं, नई बात नहीं है ये, उसके लिए कुछ बोल नहीं सकते, खाली वोट के लिए आते हैं लोग, बाद में दिखते भी नहीं है। इनका कहना है कि वोट मांगने के लिए लोग आते हैं लेकिन बाद में कोई दिखता नहीं है। हम इसलिए न्यूज़ दिखा रहे हैं क्योंकि इस पानी को यहाँ से निकाला जाए। इस कॉलोनी में भी रहने वाले इंसान हैं, वो अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो जी सके, ज़रूरत की जो सामान है वो लेने के लिए घर से बाहर निकल सके। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CNews मुंबई।